नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि नेपाल ने एक नया मैप्स अपना जारी किया हुआ था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी नया मैप अपना जारी कर चुका है। तो देखते हैं यार, पाकिस्तान का क्या डिस्प्यूट एरिया है और पाकिस्तान किस किस पर कब्जा करने की बात कर रहा है, अपना क्षेत्र बता रहा है। तो उसी के संदर्भ में आपका आर्टिकल लिखा गया है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। हाल ही में आपने देखा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सर की क्रीक, जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है। अभी तक आप जानते थे कि केवल पीओके वाला, यानी कि ये पीओके वाला हिस्सा ही अपने कब्जे में बताता था पाकिस्तान, समझ रहे हैं? और ये अक्साई चीन वाला चीन के कब्जे में, और ये आपका टेरिटरी जो केडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, यानी कि एक चाइना, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया था 1963 में। और हमारा जो जम्मू कश्मीर है, हमारे कब्जे में है, ये आपका पूरा कश्मीर हुआ करता था। लेकिन क्या देखा आपने कि अभी जो हाल में ही पाकिस्तान ने जो मैप्स अपना जारी किया हुआ है, उसमें उसने क्या किया कि ये लद्दाख वाला पूरा हिस्सा और जम्मू कश्मीर वाला पूरा, यहाँ तक समझ रहे हैं, ये पूरा अपने कब्जे में बताया है। और पीओके वाले हिस्सों को भी अपने कब्जे में बताया, यानी कि जम्मू कश्मीर पूरा हिस्सा अपने पक्ष में बता रहा है। लेकिन उसने अक्साई चीन को छोड़ दिया और इसे भी छोड़ दिया है, जिसे उसने चाइना को गिफ्ट दिया था। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो जानते हैं कि चाइना के कब्जे में है, तो उससे बुराई लेना अच्छी बात नहीं है। और दूसरा उसने क्या किया कि आप देखेंगे जूनागढ़ कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में, यहाँ जूनागढ़ की आप लोग कहानी जानते हैं, या इसे भी अपना हिस्सा बताया है नए मैप में। तो आप जानिए कि जूनागढ़ वही रियासत है कि आप सोचिए कि यहाँ का जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम, सॉरी जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन यहाँ शासक कौन था, मुस्लिम। तो उसके बाद मुस्लिम शासक ने क्या किया कि पाकिस्तान से मिलने की बात की, लेकिन हमारे यहाँ के सरदार पटेल साहब थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया कि इस यहाँ एक, मतलब आप कह सकते हैं कि जनमत संग्रह करवाया। तो जनता का जो पक्ष था हमारी तरफ था, यानी कि भारत में विलय होने का, तो हमारे भारत में विलय हो चुका था। उसके बाद आपने देखा है कि पाकिस्तान ने कभी इस पर कब्जे की दोबारा बात नहीं की, वो हमेशा एक ही पक्ष को बोलता रहता था, यहाँ पीओके वाले हिस्से को अपना बताता रहता है, और कहीं उसने इस तरह का डिस्प्यूट एरिया नहीं बताया। लेकिन हाल में ही उसने देखा कि एक तरफ चाइना लगा हुआ है एक फ्रंट संभाले हुए, आपने देखा यहाँ नेपाल आपका लगा हुआ है, तो उसने सोचा कि हम भी क्यों पीछे छूट जाएं। यहाँ देखा होगा आपने नेपाल, तो उसने भी अपना नया मैप जारी कर दिया। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त, यानी कि एक साल हो गए हैं 5 अगस्त को 370 और 35 से हटे हुए, तो यह मानचित्र 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे के निराकरण समाप्ति की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जारी किया गया है। मानचित्र में पूरे जम्मू कश्मीर को एक विभाजित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है, तथा यह कश्मीर के पूर्व में कोई सीमा नहीं दर्शाता है। कहने का मतलब यह है सीधा सा कि उसने पूरा अपने जम्मू कश्मीर को अपने हिस्से में बताया। और अभी तक आपको मालूम है कि एक कंट्रोल वाला जो पाकिस्तान पीओके है, इसे वो अपना मानता था, लेकिन उसने अब बोल दिया है कि जो जम्मू कश्मीर है इस पर इंडिया कब्जा किए हुए है। जैसे हम लोग पीओके कहते हैं, उसने कह दिया कि इंडिया इस पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए है। इसके अलावा इसमें इस्लामाबाद में कश्मीर राजमार्ग नाम बदलकर श्रीनगर राजमार्ग के रूप में दर्शाया गया। यह दावा करता है कि सियाचिन सर क्रीक के क्षेत्र और गुजरात में जूनागढ़ की पूर्ववर्ती स्थिति पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में है। यह तीनों क्षेत्रों को उसने अपने मैप्स में दिखाया है। यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने क्षेत्र के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। सन 2012 में पाकिस्तान के एटलस ने भी जूनागढ़ को पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में चित्रित किया है। नक्शे में संघीय रूप से प्रकाशित जनजातीय क्षेत्र को खेवर पख्तूनख्वा प्रांत के हिस्से के रूप में भी दिखाया गया। याद रखिए, इससे पहले होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह के बयान कभी नहीं दिए। और समझिए आप लोग कि इन्होंने क्या किया कि 370 हटने के बाद
अपने यहाँ की लोगों को एक भरोसा दिलाने के लिए इस तरह का कदम उठाया हुआ है, समझ रहे हैं? भारत की अगर प्रतिक्रिया की, यानी कि भारत ने क्या कहा है उसके बारे में अगर बात करें, तो इस कदम पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने इसे राजनीतिक गैर बराबरी की एक कवायद करार दिया, और इन हास्यास्पद दावों की ना तो कोई कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता, कहते हुए इस मानचित्र को खारिज कर दिया भारत ने। अगर भारत के लिए चिंता की बात करें हम लोग, तो हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब भारत के पड़ोसी देश ने भारत के क्षेत्रों पर अपना दावा करते हुए एक नया मानचित्र विकसित किया है। इससे पहले आपने देखा है नेपाल ऐसा करने वाला पहला देश था। नेपाल ने काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा करते हुए अपने मानचित्र को विकसित किया था। इसके अलावा नेपाल और पाकिस्तान की चीन के साथ निकटता है। हाल ही में चीन ने भी अपने पश्चिमी क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अपने पक्ष में यथास्थिति बदल दी है। एक और आप लोगों को बात बता दूं, देखिए ये नहीं है कि मतलब कोई टेंशन वाली है, लेकिन आप सोचिए 3 फ्रंट पर हमें संभाल पाना, युद्ध कर पाना मुश्किल होता है। और देखिए एक तरफ आप समझ रहे हैं नेपाल हमारी तरफ से पूरी तरह से कट चुका है, आप समझ रहे हैं जितने खराब रिश्ते इतिहास में कभी हमारे नेपाल से नहीं हुए उतने इतिहास में आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत दिनों से खराब ही चल रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पूरी तरफ से चाइना हमारे ऊपर दबदबा ठोक रहा है, अक्साई चीन के आगे भी बढ़ गया वो, कभी आप देखते हैं कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना दावा करने लगता है, कभी भूटान के पास सिक्किम के पास करने लगता है, और आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी चाइना काफी हद तक निवेश कर रहा है, श्रीलंका को भी देखते हैं आप लोग कि काफी हद तक मतलब चाइना पर निर्भर है। एक बात आपको बता दें, सबसे अभी अच्छी मित्रता हमारी भूटान से ही चल रही है केवल, समझ रहे? बाकी हमारे हमारी मित्रता एक तरह से हमारी मित्रता पर प्रसन्न चिन्ह खड़ा हुआ है। सर क्रीक लाइन की अगर बात करें, तो यह कच्छ की रण में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित जल की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच की समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्ट व्याख्या है। पाकिस्तान इसके मुहाने के पूर्वी किनारे का अनुसरण करने के लिए लाइन का दावा करता है, जबकि भारत केंद्रीय रेखा का दावा करता है। पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत दावों के अनुसार वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित बंबई सरकार संकल्प के अनुच्छेद 9 और 10 के अनुसार पूरे क्रीक क्षेत्र पर उसी का अधिकार है। ध्यातव्य है कि संकल्प पत्र में इन दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को सीमांकित किया गया है। इसमें ग्रीक को सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया, तब से ग्रीक के पूर्वी भाग की सीमा को ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है। भारत का कहना है कि सर ग्रीक को थालवेग सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए था। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक थालवेग प्राथमिक जलमार्ग के बीच का वह जलमार्ग है जो राज्यों के मध्य सीमा रेखा को परिभाषित करता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सरक्रीक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को सीमांकित नहीं किया गया है, इसकी बात कर रहे हैं। क्लेम्ड बाय इंडिया, डिस्प्यूट बाय चाइना, सॉरी पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। यह दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम चैनी में स्थित है जो कि पॉइंट NJ9842 के उत्तर पूर्व में है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। संघीय रूप से प्रशासित जनजाति क्षेत्र की बात करें, तो संघीय रूप से प्रशासित जनजाति क्षेत्र उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक अर्ध स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र था जो वर्ष 1947 से अस्तित्व में आया। वर्ष 2018 में इसके पड़ोसी प्रांत खेबर पख्तूनख्वा में मिला दिया गया था। अब लास्ट में कह सकते हैं कि क्या आगे की राय हो सकती है। पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर
जम्मू एवं कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के मुद्दे को उठाया, लेकिन इस मुद्दे पर उसे कोई व्यापक समर्थन नहीं मिला है। नेपाल के साथ अनबन होने के साथ श्रीलंका का चीन की ओर झुक जाना, बांग्लादेश के साथ नागरिकता संशोधन 2019 को लेकर विवाद, भारत का ईरान की चाबहार रेलवे लिंक परियोजना से बाहर जिसका निर्माण भारत को करना था हो जाता है, भारत के प्रभाव क्षेत्र विशेष रूप से इसके पड़ोस और विस्तारित पड़ोस के सापेक्ष गिरावट के कारण है, या विदेश नीति की गहन परीक्षा की मांग करता है। सीधा सा कहने का मतलब है कि हमें अब देख लेना चाहिए, अपनी जो भी विदेश नीति है उसे समझना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे सभी पड़ोसियों पर लगभग चाइना का कब्जा होता जा रहा है एक तरह से, समझ रहे हैं। आजकल चाइनीज भाषा बोल रहे हैं, मतलब चाइना जो शब्द निकालना चाह रहा है उन्हीं को हमारे पड़ोसी भी यूज करने लगे हैं, समझ रहे हैं कि मतलब आगे ये खड़े हुए हैं पीछे चाइना खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जहां से भी हम निकलते हैं, जहां भी थोड़ी ढील देते हैं वहीं तुरंत चाइना एंट्री कर देता है। ईरान में आप लोगों ने चाबहार बंदरगाह में देखा है, ये आपका ईरान, यहाँ चाबहार का बंदरगाह का हम लोग निर्माण कर रहे थे, तो यहाँ भी आपने देखा है कि जैसे ही हम लोगों ने थोड़ी ढील दी चाइना तुरंत जाकर यहाँ समझौता कर बैठा है। तो ये था पाकिस्तान का नया मैप्स की कहानी, ठीक है।